दुष्कर्म का विरोध करने पर गर्भवती महिला को दबंगों ने पीटा। जनपद रायबरेली के क्षेत्र हरचंदपुर ग्राम सभा खुचमा की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि दलित विरोधी कुछ स्वर्णों ने एक दलित गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे और महिला द्वारा विरोध करने पर उसे जमकर पीटा गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि महिला अपने खेत में धान रोपाई करने के लिए गई थी, तभी पड़ोस के गांव चौपुरा निवासी गुड्डू पंडित व उसके अन्य साथी ने मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का जघन्य अपराध किया है और उसको बुरी तरह लात घूसा व धारदार औजार से मारा पीटा, जिसकी वजह से गर्भवती महिला बेहोश हो गई। जब ये मामला संबंधित थाने में आया तो पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिला। तब पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची, तब एसपी के आदेश पर पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया। थाना हरचंदपुर क्षेत्र गांव निवासी महिला का आरोप है कि बीती 3 जुलाई को उसकी विवाहित पुत्री अपने मायके आई थी। उसकी विवाहिता पुत्री गांव के समीप खेत में धान रोपाई करने गई, तभी पड़ोस के गांव के 3 दबंग युवक सरहंगी के बल पर महिला के साथ अश्लीलता करने लगे। भुक्तभोगी महिला 4 माह की गर्भवती बताई जा रही है। शोर होने पर बगल के खेत में धान रोपाई करती महिला बचाव करने आए तो दबंगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, महिलाओं के साथ मारपीट की और गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी, जिससे वो बेहोश होकर मौके पर ही गिर गई। एम्बुलेंस से सीएससी पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने मामले की तहरीर थाने में दी। विपक्षी के दबंग होने के कारण उसकी सुनवाई थाने में नहीं की गई, जिसके पश्चात पीड़ित एसपी कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जहां अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। थाने गए थे। अच्छा, तो थाने से क्या आश्वासन मिला? हमारा कोई सुनवाई नहीं ना, अभी तक हमारा कोई रिपोर्ट न हुई न कुछ हुई, कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए हम आपके यहाँ आए। अच्छा, तो कप्तान साहब के यहाँ आज आप क्यों आए हुए हैं? आ जाए, हमारा कोई फैसला कर दे, निर्णय कर दे, कोई रास्ता करे, हम गरीब आदमी हम कैसे जिए। अच्छा, तो कप्तान साहब को क्या शिकायती पत्र दिया हुआ है? जी। अच्छा, तो कप्तान साहब से क्या आश्वासन मिला है? कप्तान साहब ने कहा कि इनको मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर कार्रवाई न हुई तो क्या करेंगे, आगे करेंगे। धन्यवाद। क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये है कि हम कुछ दूर लगाते रहन, हमारी लड़की खेत की देखभाल करने गई और वे गुड्डू विमल और शुभम और विवेक जाके हमारी लड़की को छेड़खानी किया, उसकी बेइज्जती कर लिया। जब भी हमारी लड़की चिल्लान कि अम्मा दौड़ो अम्मा दौड़ो, तो भी दौड़े, तो जाके हम उसको जान बचाया, तो उन्हें हमारे ऊपर तो और करा, बहन तुम्हारी माधर चोदी हमारी इज्जत पर हाथ डाल दे, उनका कर डारा कहीं दिखाने लायक न रह गई हो। खाने गए थे आप लोग? नहीं गए, हम लेके अस्पताल गए, नहीं सुनवाई हुई, पर से हाँ गए। गाली मत दिया करिए।